नमस्कार दोस्तों, आज मेरे और एक वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं डिसमेंटल करने वाला हूँ ये दोनों फ़ोन, जो कि है ये नोकिया का फ्लैगशिप हुआ करता था, नोकिया लुमिया 820 और ये नोकिया लुमिया 520। ये बजट फ़ोन हुआ करता था और ये काफ़ी सक्सेस हुआ था और काफ़ी लोगों ने इसे पसंद भी किया था, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट था और इसकी प्राइस भी कुछ ठीक थी, क्योंकि लोगों ने इसको काफ़ी अच्छे से बाय किया था। और ये था नोकिया लुमिया 820, जो 4G था। तब के समय में 4G तो नहीं था, पर इसमें LTE का सपोर्ट था और ये उनका फ्लैगशिप फ़ोन हुआ करता था। इसकी प्राइस कुछ 26,000 थी। तो आज इन दोनों को डिसमेंटल करते हैं, देखते हैं इन दोनों के अंदर क्या क्या है। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, ये है लुमिया का 520 जो आप देख सकते हैं, जो अभी चल तो रहा है पर ये ऑन नहीं हो रहे हैं। तो मैं इसका भी आज डिसमेंटल करूँगा, लुमिया 520 का। और ये है लुमिया 820। ये खोलने में बहुत थोड़ा तकलीफ़ हो रहा था मुझे, तो मैं इसको पहले खोल चुका हूँ ताकि बाद में मुझे तकलीफ़ ना दे। और तो आप देख सकते हैं ये लुमिया का 820 है। ये मुझे कुछ 26,000 में पड़ा था और इसका प्राइस कुछ 10,000 में। बाद में मैंने सुना था कि इसका प्राइस बहुत ड्रॉप हो गया था और कुछ 6,000 में मिल रहा था। तो आज इसको डिसमेंटल करते हैं। तो मेरे पास ये कुछ स्पेशल टूल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये JYD का T5x25mm, ये काफ़ी अच्छा है क्वालिटी। और ये है स्टैनली का, आप देख सकते हैं T6। ऐसे स्टैनली का बहुत महंगा पड़ता है। तो पहले लुमिया 520 से शुरू करते हैं। तो इसको इसका कवर जो है वो निकालते हैं। ऐसे इसका पैनल बड़ी आसानी से निकलता था क्योंकि ये ओल्ड फ़ोन था, आप बैटरी भी चेंज कर सकते थे इसमें, पर अभी आप बैटरी नहीं चेंज कर सकते जो नए फ़ोन से आते हैं उसमें, क्योंकि वो नॉन रिमूवेबल बैटरी के साथ आते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके बटन्स, मैं यूज़ नहीं कर रहा था तो इसकी हालत देख सकते हैं, काफ़ी ख़राब हो चुका है और अभी ये पैनल भी नहीं मिलता है। तो ये है इसकी बैटरी, नोकिया 1430 mAh की बैटरी है। तो इसको डिसमेंटल करते हैं। वैसे मैं ये ऑर्डर में रख रहा हूँ क्योंकि बाद में ये कंफ्यूज ना हो जाऊँ मैं कौन सा स्क्रू किधर लगता है। काफ़ी स्क्रूज़ है इसके ऊपर जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चलिए इसका पैनल निकालते हैं, अभी भी इसका पैनल बहुत फिट है, इसको निकालने में थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है मुझे। और मेरे नेल्स भी नहीं है तो मैं इसको थोड़ा खोलता हूँ। तो मैंने इसको जुगाड़ किया है, ये पुराना स्क्रू ड्राइवर है, इससे मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरे नेल्स भी उतने शार्प नहीं हैं। ये फ़ोन अभी नहीं चल रहा है इसीलिए मैं इसको डिसमेंटल कर रहा हूँ, वरना मैं ऐसा रिस्क नहीं लेता था। तो आप देख सकते हैं ये इसका स्पीकर का है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये इसका कैमरा का ग्लास है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मेड इन चाइना।
तो आप देख सकते हैं गाइस, ये उसका सिम कार्ड का ट्रे है जो कि ख़राब हो चुका है, और ये इसका मेमोरी कार्ड का, इसे अब मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ कि कौन सा क्या है ये। ये इसका कैमरा का है, ये कुछ 5 मेगापिक्सल का कैमरा था और इसमें फ्रंट भी नहीं था। तब में जब ये लॉन्च हुआ था तभी फ्रंट कैमरा में ज़्यादा कुछ दिल से ज़्यादा कुछ था नहीं है, तो फ्रंट में कैमरा नहीं आता था तब के बाद में। ये इधर कुछ कॉपर का ये दिया है कूलिंग के लिए, हम देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आता था, शायद ये इसका सीपीयू होगा, प्रोसेसर होगा शायद, इसके लिए इधर कॉपर का ये दिया हुआ है। ऐसे पहले उस टाइम पे भी बहुत से फ़ोन में ऐसे कूलिंग की सिस्टम नहीं थी, पर इसमें थी लुमिया में, नोकिया में। तो नोकिया काफ़ी मेहनत करता था पहले इस सब चीज़ों में। ये इसका मोटर है जो वाइब्रेट होता है, ये कुछ इस तरह से इधर लगता है, और ये उसका उसका कुछ सेंसर्स हैं। ये शायद मुझे लगता है माइक्रोफोन होगा, तो इसको रखते हैं साइड में और लुमिया 820 को डिसमेंटल करते हैं। तो इसको थोड़ा ऑर्डर में रखता हूँ मैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत गंदा हो चुका है अंदर से, क्योंकि मैं इसको यूज़ नहीं करता था बहुत सालों से, क्योंकि ये चल नहीं रहा था। और आप देख सकते हैं इसमें वायरलेस चार्जिंग भी था, ये बहुत पुराना फ़ोन है और तब भी आपको उसमें वायरलेस चार्जिंग मिलता था, बल्कि इसकी प्राइस कुछ ज़्यादा थी इसीलिए आपको इसमें ये सब फीचर्स मिलते थे। और आप देख सकते हैं पहले का वायरलेस चार्जिंग कैसे रहता था। इधर कुछ इसका मैग्नेटिक कुछ ये रहता है जो प्रेस होता है, अभी देख सकते हैं इसकी वजह से ये चार्ज होता था। ये इसका स्पीकर है, ऑडियो जॉक भी था आप देख सकते हैं, और इसमें कुछ कार्ड्स है, इसका लेंस भी था कैमरा में, और इसके कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी तब की बात करूँ तो, जब ये लॉन्च हुआ था तभी। इधर भी लिखा है मेड इन चाइना, तो इसको साइड में करते हैं। इसके भी बटन कुछ बाहर आ रहे हैं, तो इसको डिसमेंटल करता हूँ मैं। इसमें काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट स्क्रूज़ हैं, बल्कि लुमिया 520 में तो सेम तरह के स्क्रूज़ थे। इसकी बैटरी है काफ़ी लंबी, और जैसे कि आप देख सकते हैं 1650 mAh की बैटरी थी इसमें, 3.7 W BP-5T। इसको साइड में रखते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों की कंपैरिजन में ये बैटरी काफ़ी बड़ी है। इसमें 4.3 इंच का स्क्रीन था, और जो लुमिया 520 है उसमें 4 इंच का स्क्रीन था, और तब भी इसमें 4G का सपोर्ट था। इसमें 4G अभी भी मिलता है, तो ये बहुत बड़ी बात थी लुमिया 520 में। लुमिया 520 3G का फ़ोन है, उसमें 4G नहीं था। इसका मटेरियल देख सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छा है लुमिया 520 से। लुमिया 820 का जो
प्लास्टिक का क्वालिटी है ये काफ़ी अच्छी है। तो अभी सभी स्क्रू निकाल चुका हूँ, फिर भी कुछ स्क्रूज अभी भी बाकी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसको ओपन कर चुका हूँ। वैसे ये फ़ोन खोलने में काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि आप आज की जो फ़ोन्स होते हैं देख सकते हैं उसका पूरा बैक कवर कवर होता है, तो इससे खोलने में तकलीफ़ होती है, आगे से डिस्प्ले खोल के निकालना पड़ता है। पर ये ऐसा नहीं है, आप इसको इजीली रिमूव कर सकते थे जो पहले फ़ोन आते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कितने स्क्रूज़ हो चुके हैं, तो अभी ये खुल चुका है। ये इसका ईयरफोन का जैक है 3.5 mm, ये इसका स्पीकर का है, ये वायरलेस चार्जिंग के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये आवाज़ आ रही है इसी की, आप देख सकते हैं इसकी आवाज़ आ रही है, तो इसको साइड में करते हैं। ये इसका कैमरा है, ये कुछ 8 मेगापिक्सल का है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ सैमसंग का भी चिप है इसके अंदर प्रोसेसिंग के लिए शायद। पर इसमें कूलिंग के लिए कोई ये नहीं है ऐसा कॉपर के जैसा, जैसे कि आप देख सकते हैं लुमिया 520 में था, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और ये देख सकते हैं आप, इसकी डिस्प्ले मेरे हाथ में आ चुकी है, जो कि बहुत इजीली आ चुकी है मेरे हाथ में। इधर लिखा है स्टेनलेस स्टील। इसकी साइज आपको बता चुका हूँ, 4.3 inches है। इसमें आपको फ्रंट कैमरा भी था, आप देख सकते हैं इधर है छोटा सा, ये कुछ 2 मेगापिक्सल या कुछ शायद 2 मेगापिक्सल का होगा या उससे कम हो सकता है, कि तब के टाइम में उतना फ्रंट कैमरा में उतना कुछ खास नहीं होते थे, तो आप देख सकते हैं। अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं लुमिया 820 में, कीबोर्ड्स में, ये जो जो मदरबोर्ड है इसमें। ये भी स्टेनलेस स्टील का है, इसको मैं निकाल नहीं सकता हूँ, कि इसको निकालने के लिए मुझे ये पूरा ख़राब करना पड़ेगा। इसमें स्क्रूज़ नहीं है, आप देख सकते हैं इसका डिस्प्ले निकालने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, ये LCD स्क्रीन है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, आप देख सकते हैं ये लुमिया 820 की, जो पूरी सिल्वर कलर की है, आप देख सकते हैं। और मैं इसको भी निकाल चुका हूँ लुमिया 520 का, तो इसको निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं ये भी सेम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, ये पूरी ब्लैक है और ये पूरी सिल्वर में है।
और इसमें कुछ प्रोटेक्शन भी था, तब की कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 1 शायद, क्योंकि इसमें कुछ स्क्रैच रेजिस्टेंट भी था। अभी मैं इसको ऊपर स्क्रीन गार्ड लगा चुका हूँ, इसके लिए इस पर स्क्रैचेस हैं। और इसमें कुछ क्या कौन सी प्रोटेक्शन है ये कुछ बताया नहीं गया था। ये लुमिया 820 का है, आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, इसको फिर से असेंबल करते हैं। यह है लुमिया 820 की डिस्प्ले, तो इसको डालते हैं उसकी जगह पर। अगला है हमारा ये बोर्ड, इसको भी डालते हैं अच्छी तरह से। अभी इसका कवर डालते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ गोल्डन कलर का बॉल दिख रहा है आपको, वायरलेस चार्जिंग का। ये काफ़ी यूनिक सिस्टम था इसका वायरलेस चार्जिंग के लिए। अभी बहुत समय जाने वाले हैं क्योंकि इसके स्क्रूज़ बहुत हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, मैं उसके सारे स्क्रूज़ लगा चुका हूँ लुमिया 820 4G के। तो अब इस पे बैटरी लगानी बाकी है, यह है इसकी बैटरी और इसका कवर। तो ये बटन फिर से बाहर आ चुके हैं, इसको फिर से लगाता हूँ मैं। पहले ऐसे फ़ोन में कैमरा डेडिकेटेड बटन आया करता था, इसमें भी हैं। अब देख सकते हैं ये है इसका कैमरा बटन डेडिकेटेड, ये इसका पावर बटन और ये वॉल्यूम अप एंड डाउन। तो गाइस ये हो गया असेंबल। अभी नोकिया लुमिया को करते हैं, इसको लुमिया 520 को थोड़ा इस पर थोड़ा ये थोड़ा गंदा हो चुका है, इसको थोड़ा साफ़ करता हूँ मैं। तो अब इसको लगाते हैं इससे। तो गाइस ये लग चुका है। अभी इसका मदरबोर्ड लगाते हैं। ये पूरा डैमेज हो चुका है माइक्रो सिम। तो अब इसका कवर लगाते हैं, इसका भी कवर बहुत ही हार्ड है, आप देख सकते हैं बहुत हार्ड है, हार्ड मटेरियल से बना हुआ है। तो अभी इसके मैं स्क्रूज लगाता हूँ जो कि लग चुके हैं।
वैसे ये फ़ोन ऑन नहीं होगा, ये तो फ़ोन पूरा डेड है, ये तो ऑन हो ही नहीं सकता लुमिया 820। पर ये इसका प्रॉब्लम क्या है मुझे अभी नहीं मालूम चला, शायद डिस्प्ले का कुछ प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि जब भी मैं इसको ऑन करता हूँ वाइब्रेट होता है, पर ये डिस्प्ले ऑन नहीं होता है, शायद डिस्प्ले का कोई प्रॉब्लम रहेगा। तो इसको इसका बैक पैनल लगाते हैं, ये इसके बैटरी प्रोटेक्शन के लिए है, ताकि इसकी बैटरी ऊपर ना जाए, इसीलिए इससे इसकी बैटरी थोड़ी दबी रहती है। तो अभी इसको लगाते हैं, आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दो, और प्लीज़ सब्सक्राइब बटन भी वो क्लिक कर दो, क्योंकि इसमें मेरा भी फायदा है और आपका भी। आपका फायदा इसलिए है क्योंकि आपको वीडियोस मिलते रहेंगे और कुछ ना कुछ यूनिक मिलता रहेगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ यूनिक करता रहता हूँ। तो प्लीज़ यार वो सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दो और मेरी हेल्प कर दो। थैंक यू गाइज।